अगर वो देख रही है तो। कपड़े नहीं पाने चंगे, कंगिया नहीं वाणिया, ढोला वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानिया। अब पकड़े गए हैं ये, आपने सुन लिया है, कह रहे थे कि अगर वो सुन रही है तो। बस वो जब देखेगी ना तो फिर वो अपने बच्चों को कहेगी ये शिट। मामू मामू आ गए। कमली ना लाय अखियां, ए खान ता खानों दिन, उच्चियां दुकाना ते फिके पकवानों दिन। तो अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि सारा दिन तू रोला पाई रख। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा सईद, न्यूज़ अलर्ट से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ हैं कल्ब अब्बास भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे आपसे तो मुलाकात होती रहती है, घर वाली बात है हमारी। अब मैं आज आपका बकायदा इंटरव्यू लेने आई हूँ, थोड़ा तंग करने आई हूँ। तंग भी करूँगी, बात भी करूँगी, और आपने उस सवाल के जवाब भी देने। पूछो पूछो, तंग करती रहती हो तुम अक्सर हर शो। अच्छा, आपके करियर का आगाज़ जो प्रोफेशनल है वो तो खैर 6 साल हो गए हैं, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है हर इंसान के अंदर होता है, वैसे बाय बर्थ था मैं तो शुरू से, स्कूल टाइम से ना। तो अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि सारा दिन तू रोला पाई रख। नहीं, अम्मी कुछ नहीं, अम्मी मेरी बड़ी सादा सी हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं। मेरे वालिद साहब बेसिकली आर्मी से थे। बचपन में कोई एक ऐसा जो आपको बहुत गुनगुनाया हो, जिसकी वजह से सबको लगा हो कि ये आगे जाके कुछ बनने वाला, वो कौन से बोल थे? गाना आया था खान तखान उन दिन। ओ, अभी आपको आता है, याद है, जरा सुनाए। उच्चियां दुकाना ते पिके पकवानों दिन, कमली ना लाय अखियां, ए खान ता खानों दिन, उच्चियां दुकाना ते पिके पकवानों दिन। आपने जो कोलैबोरेशन की थी मलकू साहब के साथ, उसके बाद आप माशाल्लाह हिट भी गए, तो वो कोलैबोरेशन किस हद तक आपको लगता है कि आपने करके अच्छा किया या नहीं करनी चाहिए थी? वो कुछ मिले जुले जो होते ना रहते हैं इंसान के जहन में, वो क्या है? कोलैबोरेशन इसलिए की कि मतलब आप नया कोई भी नया सिंगर आता है ना, अगर वो अपना गाना लाए, मतलब म्यूज़िक अच्छा हो या एक लिरिक्स अच्छे हो, तो एक गॉड गिफ्टेड अगर हिट हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी मतलब बात। मतलब हमारे कंटेंट को पज़ीराई नहीं मिलती, पज़ीराई नहीं मिलती, नई कोई चीज़ हो ना, नई चीज़ मुतारफ़ करवाने के लिए उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन एक ऑलरेडी ये मेरे नए भाई जो भी हैं, मैं ख़ुद भी नया हूँ, उनको एक मशवरा भी है कि जो गाए हुए गाने हैं जो ऑलरेडी पुराने एक हिट हो गए हैं, उनको कोशिश करें स्टेज पे भी गाने की और ख़ुद भी गाने की, ताकि वो लोगों के जहन में ऑलरेडी वो टोन जो है ना वो बसीर अच्छी वसी होती है, तो वो इजीली मतलब उसको जो है ना वो भी ज़राई मिलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पहले के गाए होते हैं वो उससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि टोन जो है ना वो सोनी होती है, क्योंकि उसका म्यूज़िक, उसके लिरिक्स वगैरह, तो वो जो ईजी होते हैं ना लफ्ज़, वो जल्दी हिट होते हैं। आप ज़्यादातर फैसलाबाद साइड में पाए जाते हैं, ये क्यों? नहीं, मैं फैसलाबाद नहीं, मैं ऑल ओवर जहाँ पे भी मैंने आपके शोज फैसलाबाद के ज़्यादा देखे हैं, वहाँ की जो आवाम है आपको ज़्यादा पसंद करती है, वहाँ के लोग पैसे ज़्यादा देते हैं। ये अच्छा था। अच्छा, ये बताएं कि अपने गानों में से कौन सा ऐसा गाना जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सेकेंड लास्ट मेरे ख्याल ईद थी, उस पर मैंने एक गाया था गाना ईदा। ढोला वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानिया, चन्ना वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानिया, कपड़े नहीं पाने चंगे, अगर वो देख रही है तो। कपड़े नहीं पाने चंगे, कंगिया नहीं वाणिया, ढोला वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानिया, पिपला ते पींगा पया, ईद दे दिहाड़े वे जिंद मेरी रुल गई वे, चन्ना तेरे लारे वे, कला बाजा गला तेनू मैं सारियां सुनौनियां, ढोला वे तेरे बाज में, ईदा नहीं मनानियां। थैंक यू। अब पकड़े गए हैं ये, आपने सुन लिया है, कह रहे थे कि अगर वो सुन रही है तो। अब मुझे बताएं वो कौन सुन रही है? बस हर बंदे का कुछ पास होता है जरूर,
ना ना ना, आज हम आपसे पूछ के रहेंगे कि अगर वो सुन रही है तो ये आपने अपनी दुख भरी दास्तान उसको क्यों सुनाई है? बस वो जब देखेगी ना तो फिर वो अपने बच्चों को कहेगी ये शिट। मामू आ गए? नहीं नहीं मामू नहीं, काश ये तुम्हारे पापा होते। अपनी राय का साथ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के साथ मैं थी फातिमा सईद, न्यूज़ अलर्ट से अल्लाह हाफिज़।